अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम शोएब अंजुम। इससे पहले के लेसन में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने बताया हमारी रेगुलर एक्टिविटीज और हैबिट्स। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें जो काम जारी रहता है उस काम को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने कहा। आज जो टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट, द वर्ड परफेक्ट ये लैटिन से इंग्लिश लैंग्वेज में आया है, जिसका मतलब है मुकम्मल। जब कोई काम मुकम्मल हो जाता है, हम खत्म कर चुके होते हैं उस काम को, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं खाना खा चुका हूं। अब मैं मेरे किसी दोस्त से मिलने गया, मेरा दोस्त उस पर इसरार करने लगा कि तू भी खा ले, तो मैं उससे क्या कहूंगा कि मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खा लिया है। आई हैव ईटन, मैं खाना खा चुका हूं। सर आ गए हैं, सर आ चुके हैं, दोनों एक ही बात है, आ चुके हैं या आ गए हैं। सर हैज कम, वो जा चुका है। ही हैज गॉन, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, इस किस्म के सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहे जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैव आएगा या हैज आएगा, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, यू नो वेरी वेल, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलवेज वर्ब थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मैं सब्जेक्ट्स लिखता हूं यहाँ पर, आई। यहाँ पर आप सब्जेक्ट्स देख सकते हैं आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ यहाँ हैव का इस्तेमाल होगा। हैव, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज का इस्तेमाल होगा। एक बात नोटिस की होगी आपने के सिंपल प्रेजेंट टेंस में जिन सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ई एस एड होता था, उन्हीं सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज इस्तेमाल होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जिन सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ई एस लगता था वो यही थे, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। उन्हीं सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज का इस्तेमाल होगा। सबसे पहला सब्जेक्ट आई, उसके साथ लगेगा हैव, हैव। वर्ब थर्ड फॉर्म डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड। आई हैव डिसाइडेड, मैंने फैसला कर लिया है, मैं फैसला कर चुका। सेकंड सेंटेंस, यू हैव वन द मैच, तुम मैच जीत गए हो। विन, वन, वन। विन का थर्ड फॉर्म है वन। यू हैव वन द मैच। थर्ड सेंटेंस, वी हैव लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख चुके हैं या हम इंग्लिश, हमने इंग्लिश सीख ली है। फोर्थ सेंटेंस, दे हैव रिजेक्टेड माय ऑफर, उन्होंने मेरा ऑफर, मेरी पेशकश ठुकरा दी है, वो मेरी पेशकश को ठुकरा चुके हैं। उसके बाद प्लूरल नाउन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हैव प्लेड हाइड एंड सीक, बच्चे हाइड और सीक, सॉरी बच्चे हाइड एंड सीक कहते हैं, छुपी छुपकुल जिसको हम कहते हैं, बच्चे हाइड एंड सीक खेल चुके हैं। ही हैज रिपेयर्ड माय मोबाइल, उसने मेरे मोबाइल को रिपेयर कर दिया है, वो मेरा मोबाइल रिपेयर कर चुका है। शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, HW होमवर्क, उसने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, वो अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुकी है। नंबर एट, इट हैज रेन, बारिश हो चुकी है, बारिश हो गई है। नाइन्थ सेंटेंस है सिंगुलर नाउन द ट्रेन, द ट्रेन हैज अराइव्ड, ट्रेन आ गई है।
ट्रेन आ चुकी है. द शॉप हैज जस्ट ओपन्ड. जस्ट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं अगर वो काम अभी अभी मुकम्मल हुआ है, हाल ही में. द शॉप हैज जस्ट ओपन्ड, दुकान बस अभी अभी खुली है. हमारी जिंदगी में बहुत से वाकयात बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, सारी जिंदगी उनकी अहमियत होती है. तो ऐसे कुछ कामों को कहने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल ही किया जाता है. जैसे आई हैव वन सिल्वर मेडल इन ओलंपिक्स. ओलंपिक्स में मैं सिल्वर मेडल जीत चुका हूँ. ये बहुत अहम बात है, सारी जिंदगी इसकी अहमियत बरकरार रहेगी. आई हैव मेट SRK शाहरुख खान. मैं शाहरुख खान से मिल चुका हूँ. इस किस्म के सेंटेंसेस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहे जाएंगे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अभी तक हमने टाइम का इस्तेमाल नहीं बताया है. उसका इस्तेमाल किस तरह होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ. आई हैव डोनेटेड ब्लड 5 times since 2008. 2008 से मैं 5 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ. यहाँ पर since 2008 टाइम का इंडिकेशन हमने दिया. सेकंड सेंटेंस है I have not seen him for last 4 months. मैंने पिछले 4 महीनों से उसे नहीं देखा है. अगर हम कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताते हैं तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, और अब टाइम की शुरुआत अगर बताना है तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे. 2008 से मैंने 5 times ब्लड डोनेट कर चुका हूँ. और यहाँ वक्त की शुरुआत नहीं बता रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं. लास्ट 4 months, पिछले 4 महीनों से. 2 weeks, 1 year, 1 day, 2 hours, इस किस्म के टाइम फ्रेजेस से पहले फॉर का इस्तेमाल आएगा. और सिंस वक्त की शुरुआत जहाँ से हम करेंगे, जैसे सिंस 2008, सिंस 2001, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस जून, और फॉर 4 months, इस किस्म का. हमारा थर्ड सेंटेंस है आई हैव वॉच 4 movies दिस वीक. इस हफ्ते मैंने 4 movies देखी है. वो अमेरिका जा चुका है. इस सेंटेंस में के 2 मतलब हो सकते हैं. एक मतलब तो ये कि वो अमेरिका जाकर आ चुका है वापस, और एक मतलब ये हो सकता है कि दूसरा मतलब ये हो सकता है कि वो अमेरिका पहुंच गया है और वहीं है, अभी वापस नहीं आया है. तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंग्लिश में 2 अलग अलग वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं. एक वर्ड है बीन और एक वर्ड है गॉन. एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ में आएगा. ही हैज बीन टू अमेरिका, वो इसका मतलब है कि वो अमेरिका जाकर आ चुका है. वो अमेरिका जा चुका है. ही हैज गॉन टू अमेरिका मतलब वो अमेरिका पहुंच गया है और वो अभी वहीं पर है. ये है बीन और गॉन का फर्क. गॉन वो पहुंच गया है, वहीं पर है, पहुंच चुका है. बीन वो जाकर आ चुका है. हैव यू एवर बीन टू पेरिस, क्या तुम कभी पेरिस गए हो. Have you gone to London? क्या तुम लंदन पहुंच चुके हो.